ठीक है, तो मल्टीप्लीकेशन ऑफ वेक्टर्स के अंदर दो टाइप की मल्टीप्लीकेशन है वेक्टर्स की, एक ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर, यानी कि अगर आप दो वेक्टर्स को मल्टीप्लाई करते हैं और आपका आंसर स्केलर आता है, स्केलर का मतलब आंसर में डायरेक्शन नहीं आती, 10, 20, 30 ऐसा आंसर आता है स्केलर विदाउट डायरेक्शन, तो उस प्रोडक्ट को क्या बोलते हैं? स्केलर प्रोडक्ट। और अगर दो वेक्टर को मल्टीप्लाई करें और जो आंसर आया वो एक वेक्टर आया, यानी कि मैग्नीट्यूड के साथ उसकी डायरेक्शन भी आई, तो ऐसे केस में उसको कौन सा प्रोडक्ट बोलते हैं? वेक्टर प्रोडक्ट। अब दोनों के सिंबल में फर्क है, अगर आप डॉट प्रोडक्ट यानी कि स्केलर प्रोडक्ट यूज करते हैं तो आप दोनों के बीच में क्या लगाएंगे? डॉट, ताकि आपको पता लग जाए कि इन दोनों का प्रोडक्ट आपको स्केलर आंसर देगा। और अगर आप दो वेक्टर्स हैं उनमें मल्टीप्लाई करके आंसर क्या आता है? एक वेक्टर, तो बीच में क्या लगाएंगे? क्रॉस, क्रॉस, ताकि ये पहचान है कि जो आंसर आएगा वो क्या आएगा? वेक्टर। क्या ये पॉइंट क्लियर है यहां तक? तो ए वेक्टर और बी वेक्टर के बीच में अगर कुछ भी नहीं लगा, बस क्या लिखा हुआ है मैंने? ए वेक्टर, मान लो ये मैंने लिखा ए वेक्टर और ये मैंने लिखा बी वेक्टर, तो बाय डिफॉल्ट मैथ्स में क्या मानते हैं? मानते होंगे, फिजिक्स में नहीं मानते, तो यानी कि आप ऐसे लिख ही नहीं सकते, या डॉट आएगा या क्रॉस। मैथ्स में नंबर में चलता है, 2 × 4 8, 2 ब्रैकेट 4 ब्रैकेट 8, 2 डॉट 4 8, 2 × कुछ भी ना लिखा तो भी बंदा सोचता है चलिए मल्टीप्लाई होगा 8, फिजिक्स में नहीं है। वेक्टर में या डॉट आएगा या क्रॉस आएगा, खाली कभी नहीं होगा, राइट? तो इसलिए इसका नाम क्या है? डॉट प्रोडक्ट, और इसका नाम क्या है? क्रॉस प्रोडक्ट। तो ये डॉट और क्रॉस के नाम से काफी फेमस है, डॉट प्रोडक्ट एंड क्रॉस प्रोडक्ट। क्या ये पॉइंट क्लियर है यहां तक? कोई डाउट इसमें? तो डॉट प्रोडक्ट एंड क्रॉस प्रोडक्ट क्लियर है। अब नेक्स्ट इसके अंदर हमने क्या करना है? स्टार्ट करेंगे विद स्केलर मल्टीप्लीकेशन। स्केलर मींस डॉट प्रोडक्ट। डॉट प्रोडक्ट कैसे होता है इसको एक बार देखते हैं जरा, क्या है डॉट प्रोडक्ट? ठीक, तो अगर आपके पास दो वेक्टर हैं, ए वेक्टर और बी वेक्टर, और इनके बीच में एंगल क्या है? थीटा। और आज का लेक्चर और नेक्स्ट लेक्चर आधा डॉट प्रोडक्ट पे है और आधा लेक्चर क्रॉस प्रोडक्ट पे, तो अब हम डॉट की बात कर रहे हैं, तो डॉट तो आंसर स्केलर ही आएगा। तो आपके पास ए वेक्टर और बी वेक्टर जो है, अगर दो वेक्टर्स हैं और बीच में एंगल क्या है? थीटा, तो अगर आपको क्या निकालना है इसमें? डॉट प्रोडक्ट। तो डॉट प्रोडक्ट में क्या करना है? ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर, ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर का फॉर्मूला इज ए बी कॉस थीटा। तो इसके अंदर याद रखना, जब आप दो वेक्टर्स को मल्टीप्लाई करेंगे डॉट प्रोडक्ट, तो आंसर आएगा ए वेक्टर का मैग्नीट्यूड ए, ए वेक्टर का मैग्नीट्यूड ए इनटू बी वेक्टर का मैग्नीट्यूड बी, और इनटू एंगल बिटवीन ए वेक्टर एंड बी वेक्टर इज थीटा, कॉस थीटा। ये फॉर्मूला याद रखना, क्लियर है यहां तक? तो ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर क्या होगा? ए बी कॉस थीटा। आपको यहां डॉट क्रॉस नहीं लगा, ये तो मैथ्स है ना, ये मैग्नीट्यूड है, जैसे 2 10 2 × 10 20, ये सिंपल चलेगा, इसमें नहीं चलेगा। अब जैसे एग्जाम्पल है, आपके पास तीन एक्सेस है, तो इसके अंदर ये आई कैप है, ये जे कैप है और ये के कैप है। अगर मैं ये बोलूं कि मुझे आई कैप डॉट आई कैप निकालना है, तो आई कैप डॉट आई कैप में आई कैप का मैग्नीट्यूड 1, जे कैप का मैग्नीट्यूड 1, और इनटू कॉस ऑफ एंगल बिटवीन देम इज आई कैप का खुद के साथ ही एंगल क्या बनेगा? 0। तो 1 × 1 कॉस 0 क्या होता है? 1, आंसर इज 1, राइट? जे डॉट जे, जे डॉट जे कैप का मैग्नीट्यूड 1, जे कैप का 1, और एंगल बिटवीन देम इज 0, आंसर इज 1। के डॉट के, 1 × 1 × cos of 0 इज 1। लेकिन अगर आप आई डॉट जे करते हो, तो 1 × 1 × i और j में एंगल क्या है? 90, cos 90 क्या है? 0। जे डॉट के, तो जे 1 1 cos of कितना? 90, क्योंकि j और k के बीच में एंगल भी क्या है? 90। और के डॉट आई में 1 × 1 × cos of 90 इज 0। तो क्या फॉर्मूला बन गया हमारे पास? कुछ फॉर्मूलाज आ गए, आई डॉट आई आज के बाद आंसर 1, देखो स्केलर आ रहा है आंसर 1, जे डॉट जे 1, के डॉट के 1, आई डॉट जे 0। तो अगर सेम सेम आ रहा है डॉट तो 1, अगर कुछ भी डिफरेंट हुआ तो 0। क्लियर है यहां तक?
जैसे फॉर एग्जांपल आपके पास दो वेक्टर्स आपको गिवन होंगे, ए वेक्टर और बी वेक्टर। आपको क्या निकालना है? ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर। तो आप कहेंगे इसमें क्या है, ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर में काम करते हैं, ये रहा आपका ए वेक्टर, ये रहा आपका बी वेक्टर, तो आप इसमें फॉर्मूला लिख लें ए बी कॉस थीटा। ए का मैग्नीट्यूड निकाल लें, हम निकाल लेंगे अंडर रूट ऑफ 1 का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर, माइनस 3 का स्क्वायर। बी का मैग्नीट्यूड निकाल लें, हम निकाल लेंगे बी का मैग्नीट्यूड, पर प्रॉब्लम यह है कि हमें एंगल थीटा नहीं पता, तो हम सॉल्व नहीं कर पाएंगे। यानी कि राइट हैंड साइड वाला जो फॉर्मूला है हमारा आंसर नहीं देगा, हमें कॉस थीटा पता ही नहीं। तो एक काम करते हैं, राइट की जगह हम लेफ्ट में पुट कर देते हैं वैल्यूज, और लेफ्ट के फॉर्मूले को यूज करके आंसर निकाल लेते हैं। जैसे आपको ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर निकालना है, आप ए वेक्टर की जगह ए वेक्टर पुट कर दें, डॉट की जगह डॉट कर दें, बी वेक्टर की जगह पूरा बी वेक्टर पुट कर दें। कर दिया, इसे ओपन करें ब्रैकेट, कैसे, आई डॉट आई, देखो इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो टू कॉन्स्टेंट है तो क्या बचेगा, आई डॉट आई, इसको इससे करेंगे तो थ्री कॉन्स्टेंट है आई डॉट जे, इसको इससे करेंगे तो फोर कॉन्स्टेंट है आई डॉट के। नेक्स्ट, अब इसको इससे मल्टीप्लाई करते हैं तो टू कॉन्स्टेंट है टू इंटू टू फोर जे डॉट आई, इसको इससे करेंगे सिक्स इंटू जे डॉट जे। नेक्स्ट इसको इससे करेंगे तो एट इंटू जे डॉट के, फिर ऐसे इसको इससे करेंगे माइनस सिक्स इंटू के डॉट आई, इसको इससे करेंगे माइनस नाइन इंटू के डॉट जे, इसको इससे करेंगे माइनस ट्वेल्व इंटू के डॉट के। ओपन कर लिया, जहां आपको i डॉट i दिख रहा है वन है, जीरो 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 वन, जीरो 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 वन, सॉल्व करके आंसर आ गया। अब इस पूरे प्रोसेस में एक प्रॉब्लम है, आप कहेंगे इतना लंबा क्वेश्चन, लंबा नहीं है, ये अननेसेसरी एक्टिविटी है। क्यों? जब आपको पता है कि i डॉट i वन है, i डॉट j जीरो है, तो हम इसे मल्टीप्लाई कर क्यों रहे हैं, जरूरत क्या है, क्योंकि i डॉट j तो जीरो ही देगा, तो मल्टीप्लाई मत करो। तो आप सिर्फ i की टर्म को i से करो, j की टर्म को j से करो, k की टर्म को k से करो, बाकी तो जीरो ही आना है। जैसे ये सेम क्वेश्चन है, इतना लंबा नहीं करो, मन में कैलकुलेट करो, इस टर्म को इससे करेंगे 2 इंटू आई डॉट आई तो 1 होता है, तो आंसर सिर्फ 2, इसको इससे करेंगे 6, इसको इससे करेंगे तो माइनस 12, एक सेकंड आंसर माइनस 4। तो कुछ करना ही नहीं है, आई को आई से, जे को जे के, और के को के से। जैसे फॉर एग्जाम्पल आपके पास क्वेश्चन है कि ए वेक्टर एक वेक्टर है, ए वेक्टर जिसकी वैल्यू है आई कैप प्लस जे कैप प्लस के कैप, बी वेक्टर है टू आई कैप प्लस जे कैप माइनस के कैप। चलिए ये ले लेते हैं, इसको एक काम करो, इसको माइनस कर लेते हैं, माइनस, ठीक है। तो डॉट प्रोडक्ट निकालो, क्या होगा, ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर, ये लो, तो आई को आई से तो 2, जे को जे से माइनस 1, के को के से, आंसर क्या आ गया, 0। कितना आसान है, कुछ करना ही नहीं है, डॉट प्रोडक्ट सबसे आसान है, आई आई जे के के, क्या ये प्रॉपर्टी क्लियर है। तो इसके अंदर आज के बाद जब क्वेश्चन आएगा हम ये प्रॉपर्टी यूज करके डॉट प्रोडक्ट निकाल लेंगे। कुछ प्रॉपर्टीज है इस स्केलर प्रोडक्ट की, इसको देखते हैं।